हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम टैली आरपी 9 में सेल्स वाउचर में सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही परचेज वाउचर में भी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी लगा सकते हैं। तो ये सवाल एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे आइए चलिए देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो टैली आरपी 9 ओपन कर लिया हमने। ये कंपनी मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बनाई है, और इस कंपनी में हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले तो हम इसमें एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो पे जाना है, तो अकाउंट इन्फो पे ही हम इस समय मौजूद हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करना है हमें और यहाँ लेजर्स में आ जाना है। तो ये लेजर्स में आ गए हम। यहाँ पर सबसे पहला लेजर मैं बनाता हूं अनंत डेटर, ठीक है। डेटर मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये पहचान हो जाए कि ये डेटर पार्टी है। तो यहां लिख दिया अनंत डेटर। अब यहां पर सन्डरी डेटर के जो ग्रुप बना हुआ है इसमें ये आएगा, तो यहां सन्डरी डेटर आप चूज कर लें। एंटर प्रेस करें। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। और ये डेटर पार्टी है, तो ये जो है किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकती है या सेम स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं लिखता। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, सेम स्टेट ही है ये। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर, ठीक है। तो यहां लिखता हूं अवनीश, तो एक हो गया आनंद, दूसरा हो गया अवनीश, और ये है क्रेडिटर। तो यहां पहचान के लिए मैं लिख देता हूं क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर कर दिया हमने, ओके। एंटर प्रेस किया और ये आएगा सन्डरी क्रेडिटर में। तो यहां सन्डरी क्रेडिटर आपको चूज कर लेना है, एंटर प्रेस करना है और इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, सन्डरी डेटर सन्डरी क्रेडिटर। अब एक कैपिटल अकाउंट का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहां लिखा कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस किया और ये अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा। सी प्रेस करेंगे साइड में, यहाँ कैपिटल अकाउंट का ग्रुप आ जाएगा। एंटर प्रेस करके और इसको भी करा लेंगे एक्सेप्ट, ओके। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो लिखा हमने परचेज अकाउंट, ये अंडर परचेज अकाउंट जाएगा। तो यहाँ पी प्रेस करेंगे तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। तो ये परचेज अकाउंट के अंडर में इसको डाल देंगे और मेंटेन एंटर प्रेस करते हुए और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे हम। यहाँ सर्विसेज आ रहा है, इसे हम गुड्स कर देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस किया हमने, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। इसके बाद अब हमें सेल्स अकाउंट का बनाना है, तो सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा ये, तो यहाँ एस प्रेस करेंगे सेल्स अकाउंट शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुड्स होगा, एंटर प्रेस किया हमने और इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। तो ये सेल्स अकाउंट भी हो गया, परचेस अकाउंट भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर, तो यहां लिखता हूं सीजीएसटी, ओके। तो ये लिखा हमने, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप होगा, इस ग्रुप को आपको चूज करना है और यहाँ पर जीएसटी को चूज करना है। बाकी सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। सेंट्रल टैक्स रखिएगा यहाँ पे, इंटरफेस करिएगा और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करेंगे हम। इंटरफेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। अब एसजीएसटी, तो एसजीएसटी लिखा हमने। एसजीएसटी लिखने के बाद ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा और यहाँ जीएसटी रखेंगे हम। जीएसटी रखने के बाद इसे स्टेट टैक्स कर देंगे हम, ठीक है। राउंडिंग हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, इंटरफेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। इतना के बाद अब आईजीएसटी, तो आईजीएसटी लिखा हमने, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर रहेगा आईजीएसटी, ठीक है। और राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और इसको भी करा लेंगे एक्सेप्ट। तो ये सारी चीजें हमने कर ली, सारी लेजर्स हमने बना लिए। एक काम और हमें करना है, यहाँ पर हमें जीएसटी इनेबल करना है। तो कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ से F11 की प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर्स की विंडो पे आ जाएंगे, यहाँ पर स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी यस करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। फिलहाल हमें रेगुलर रखना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए जीएसटी यूआईएन नंबर यहाँ पर डालना है। तो जीएसटी यूआईएन नंबर में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पैन नंबर के साथ साथ स्टेट का कोड भी इन्वॉल्व रहता है। मैं यहाँ एक नंबर डाल देता हूँ जो जीएसटी आईएन नंबर होगा और यहाँ पर इसको ये वेरीफाई करेगा टैली। एंटर प्रेस करेंगे, 1 अप्रैल 2019 से लागू हो रहा है। मंथली जीएसटी हम फाइल करेंगे, ई वे बिल को नो रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आ जाएंगे सीधा कहाँ, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर यस करेंगे इसे। और यहां पर कोई आइटम होगा, ठीक है, मैं इसे प्राइमरी आइटम नाम दे देता हूं, ओके। तो यहां पे प्राइमरी आइटम कर दिया हमने। यहां पर एचएसएन कोड हार्मोनाइज कोड होता है, उसे हम लिख लेंगे,
एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अभी हमें यहां पर टैक्स सेबल रखना है। अब यहां पर हमें जीएसटी डालना है कि कितना परसेंट इन सामानों पे जो भी हम यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं इन पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। मैं यहां 18.5% लिखता हूं। देखिए यहां पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स अगर लगाते हैं तो वो सेम स्टेट के लिए नहीं होता, वो डिफरेंट स्टेट के लिए होता है। जैसे अगर हम यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही माल बेच रहे हैं तो वहां पर हम लगा सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगेगा दोनों, ठीक है। क्या होगा कि अगर इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स लगाने पे स्टेट अलग होगा। जैसे हम यूपी में हैं और माल एमपी में बेच रहे हैं या किसी अन्य स्टेट में बेच रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स अलग अलग नहीं लगेगा, ये एक ही लगेगा। तो 18 टैक्स तो हमें जितना इंटीग्रेटेड देना है उतना ही सेंट्रल और स्टेट भी देना है, लेकिन इंटीग्रेटेड टैक्स एक ही बार में अप्लाई हो जाता है। और अगर हम सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है। जैसे इंटरप्रेस किया हमने तो इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है 18.50% और सेंट्रल टैक्स दिखा रहा है 9.25 और स्टेट टैक्स 9.25। सेस की बात बाद में करते हैं, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने और इसको भी इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब सब कुछ इनेबल हो चुका है। अब हमको चलना है कहां, सीधा चलना है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो से जाना है अकाउंटिंग वाउचर। आ गए हम अकाउंटिंग वाउचर में, जहां पर हमें सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में आना है। F6 प्रेस किया हमने, हम आ गए रिसिप्ट वाउचर में। अब देखिए यहां पर जो है सिंगल एंट्री मोड इनेबल है, हमें इसे डबल एंट्री मोड में लेके आना है। तो F12 प्रेस करेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड, तो ये यस है, ठीक है, इसको हम नो कर देंगे, ठीक है। तो इसको नो जैसे ही करेंगे हम तो ये सिंगल एंट्री मोड डिसेबल हो जाएगा। और यहां पर यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ बाई, इसको हम यस रखेंगे, ठीक है। और नेगेटिव कैश अगर हमारा है तो वो ये दिखाएगा, यहां से इसको इनेबल रखते हैं हम, ठीक है। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद ये एक्सेप्ट हो गया। यहां पर देखिए डेबिट क्रेडिट ये शो होने लगा है। तो अभी सबसे पहले हम क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। तो यहां कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। कितने रुपए हम बिजनेस में लगा रहे हैं, तो सपोज कीजिए यहां 7 लाख रुपए हम बिजनेस में लगा रहे हैं, इंटरप्रेस किया हमने। अब यहां पे क्रेडिट है, यहां पे DR लिख देंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे DR, तो यहां डेबिट आ जाएगा। और डेबिट किसको करेंगे हम, डेबिट करेंगे कैश को। कैश के लेजर को बनाने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से बना होता है। तो इंटरप्रेस करके और इसको डेबिट कर देंगे 7 लाख रुपए से, तो यहां डेबिट हो जाएगा ये, ठीक है। इंटरप्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा आप, तो ये हमने करा दिया एक्सेप्ट। तो अब हमारे पास पैसा हो गया है, यानी कि कंपनी में हमने पैसा लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली चलना है, कुछ सामानों को परचेज करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, ठीक है, और यहां से F9 प्रेस करके और आ जाएंगे परचेज वाउचर में। यहां पर हमें कुछ चीजें परचेज करनी है, तो यहां हम डाल देते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को यह खरीदारी हो रही है। अब यहां पर देखिए डेटर और क्रेडिटर दो पार्टियां हैं, तो यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, ठीक है। ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर है, तो यहां पे मैं लिखता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ओके। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर हमने डाल दिया, एंटरप्रेस किया, और यहां से अगर जीएसटी यूआईएन नंबर है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। परचेज अकाउंट का लेजर यहां आ जाएगा। अब यहां पर कुछ सामानों की यानी स्टॉक आइटम हमें बनाने हैं। आर्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो यहां स्टॉक आइटम भी बना पाइएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड हमने लिखा, इंटरप्रेस किया। यहां पे प्राइमरी रहने देते हैं, अंडर प्राइमरी। यहां पर आएंगे, यूनिट बनाना है, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां यूनिट बना पाएंगे आप। आईटीएम यानी आइटम लिख देते हैं हम, और इसका फॉर्मल नेम आइटम दे देते हैं हम। और यहां पर तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां हम पीस कर देंगे, यहां पे यहां पीस रखेंगे इसको, एक पीस दो पीस, ठीक है। तो इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। यहां पर गुड्स ही रहेगा, इंटरप्रेस करेंगे एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहां आ रहा है क्वांटिटी, गोडाउन हमने बनाया नहीं है लेकिन गोडाउन ऑप्शन का चालू रखा है, इसीलिए गोडाउन ये आ रहा है। हम इसको मेन लोकेशन दे देते हैं, मेन लोकेशन वो कोई भी लोकेशन हो सकता है जहां पर हम अपना माल रखेंगे, ठीक है। तो 700 कीबोर्ड्स की क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं और एक कीबोर्ड की जो कॉस्ट है वो आएगी 80 रुपए, तो इसके हिसाब से यहाँ 60 कीबोर्ड का पूरा कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब यहां पर अल्ट के साथ सी फिर प्रेस करता हूं, अब इस बार माउस, तो यहां लिखता हूं माउस, लिखा हमने, इंटरप्रेस किया, प्राइमरी, और यहां पर आइटम डाल देते हैं हम, ठीक है। यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, गुड्स रहेगा यहां पे, इंटरप्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। इसको भी हम मेन लोकेशन ही रखते हैं,
66 जो है आइटम हम माउस के खरीद रहे हैं और ये पड़ रहा है हमें 70 रुपए का एक 70 रुपीस। तो यहां माउस की टोटल प्राइस आ गई। अब हमको यहां CGST SGST अप्लाई करना है, तो पहले मैं CGST SGST लगा के दिखा दूं, फिर इसी परचेज वाउचर में दोबारा से हम IGST भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं C, तो देखिए ये CGST आ चुका है, एंटर प्रेस किया हमने तो यहां CGST कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमको यहां SGST लगाना है, तो SGST लगा दिया हमने, तो ये देखिए बराबर बराबर अमाउंट में ये दोनों कैलकुलेट होकर आ गया। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं या नरेशन में कुछ डाल सकते हैं हम, लिखा हमने द गुड्स परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेस्ड, ओके एंटर प्रेस किया एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं इसको जाके कहां देखेंगे, तो दो बार डी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एंट्री जो हमने बनाई थी ये आ चुकी है। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी दबाइए, यहां प्रिंट भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसको सेव करना होगा हमें, तो मैं इसको सेव करता हूं PURCHASED परचेज्ड के नाम से इसे सेव करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये परचेज नाम का जो हमने बनाया जो बिल बनाया है, ठीक है, जो परचेजिंग की है वो कहां गया है। तो यहां से जाएंगे हम दिस पीसी और यहां पर हमें मिल जाएगा पिक्चर में ये परचेज्ड के नाम से है, तो ये देख सकते हैं आप ये हमारा बिल है। इसको मैं दिखा देता हूं कैसा ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये देख सकते हैं यही वो आइटम्स है जो हमने खरीदे हैं और यहां पर टैक्स लगा हुआ है, ये सारी चीजें यहां पे आ रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेल्स वाउचर में काम करना है, तो सेल्स वाउचर में कहां से काम करेंगे हम, तो चलते हैं सेल्स वाउचर में। अब सेल्स वाउचर में चल करके मैं वहां पे इससे भी पहले मैं एक काम करता हूं आपको परचेज वाउचर में फिर से एक बार परचेज पे चलते हैं और इस बार मैं आईजीएसटी लगा करके दिखाऊंगा, तो चलते हैं परचेज वाउचर में, ठीक है। हालांकि ये काम हम सेल्स वाउचर में भी जाके कर सकते थे लेकिन परचेज वाउचर में ही लगा देता हूं, सारी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगी। तो ये है अनर डेटर, तो हमें क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेना है, तो ये लेजर ले लिया हमने। इस बार मैं एड्रेस क्या डालता हूं क्रेडिटर पार्टी का, यहां पे एड्रेस डालता हूं भोपाल, ठीक है। आपको याद होगा कि कंपनी बनाई थी तो हमने क्या एड्रेस दिया था, उत्तर प्रदेश दिया था, ठीक है, भोपाल। और यहां लिख देता हूं एमपी और यहां पे स्टेट क्या चूज करूंगा, एमपी चूज करूंगा, तो यहां एम जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहां आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में ले लेता हूं, इंटरफेस करता हूं, जीएसटी आईएन नंबर हो तो डाल दें, यहां परचेस अकाउंट आ जाएगा। अब यहां फिर के प्रेस करता हूं कीबोर्ड के लिए और यहां पर मेन लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर सपोज कीजिए कि हम चार कीबोर्ड खरीद रहे हैं, तो ये चार कीबोर्ड के हिसाब से यहां 320 रुपए आ गया, ठीक है, इंटरफेस किया हमने। अब इस बार क्या करेंगे, माउस को परचेज करेंगे। अब यहां पे 10 की और इसके हिसाब से 700 रुपए यहां पे आ चुका है, देख सकते हैं आप, इंटरफेस किया हमने। अब इस बार हमको इंट्रास्टेट यानी आईजीएसटी लगाना है, तो यहां आई प्रेस किया हमने, ठीक है, इंटरफेस करेंगे तो ये आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। इंटर किया हमने, इंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब एक आपके मन में ये दिक्कत आएगी कि आईजीएसटी तो आपने लगा दिया, क्यों वैसे आईजीएसटी नहीं लगा सकते थे हम बिना स्टेट चेंज किए, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे आप। चलिए मैं फिर आपको दिखा देता हूं, यहां पे हमने प्रेस किया सप्लायर इनवॉइस नंबर के बाद यहां पर आ जाएगा पार्टी अकाउंट नेम, तो क्रेडिटर है पार्टी। अब इस बार मैं इसी पार्टी का एड्रेस डाल देता हूं सेम न्यू कॉलोनी, अब देवरिया कर देता हूं और स्टेट रखूंगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, यहां पे आप देख सकते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश है, इंटरप्रेस किया हमने। अब यहां पे परचेज का लेजर आ जाएगा। अब यहां पे फिर कीबोर्ड करता हूं, तो कीबोर्ड यहां पे मेन लोकेशन आएगा, तो मेन लोकेशन आ गया 80 रुपए, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कराता हूं। फिर यहां पे माउस ले लेता हूं और माउस पे ये आ गया, इंटरप्रेस किया हमने। अब यहां पर लगाता हूं आईजीएसटी, देखिए कैलकुलेट होकर आता है या नहीं, तो लिखा हमने आई जी, तो यहां पे आईजीएसटी आ रहा है। जैसे इंटरप्रेस करता हूं यहां पे कुछ भी शो नहीं होता है, वहां पर शो हो रहा था लेकिन यहां पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही बात करूं मैं, बैक आता हूं, इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूं। अब मैं यहां पे बात करूंगा सीजीएसटी और आईजीएसटी की, तो यहां पे देखिए सीजीएसटी जैसे ही आता हूं तो सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाता है, और अगर एसजीएसटी एसजीएसटी तो लगाना ही लगाना है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। इंटरप्रेस करता हूं, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके जरूर समझ में आ रही होगी। अब हम चलेंगे सेल्स वाउचर में, तो चलिए सेल्स वाउचर में चलते हैं, एफएट प्रेस करते हैं सेल्स वाउचर के लिए, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में आएगा अनर्न डेटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायर की जो डिटेल है वो यहां पे, जैसे पहले मैं डालता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, इसमें भी पहले हम सेम स्टेट की बात करेंगे,
फिर हम इंटरस्टेट की बात करेंगे, ठीक है। इंटरफेस की हम यहां सेल्स का लेजर आ जाएगा और यहां कीबोर्ड, तो की प्रेस किया हमने, इसको मेन लोकेशन रखेंगे, दो आइटम्स कीबोर्ड के हम ले रहे हैं। इसकी प्राइस हम क्या देंगे, हम 400 रुपए का बेचेंगे एक कीबोर्ड। इंटरफेस किया हमने तो 800 रुपए यहां आ गया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कीबोर्ड ही हम सिर्फ सेल कर रहे हैं, अब यहां पे लगा सकते हैं हम क्या आईजीएसटी लगा सकते हैं, तो यहां आई प्रेस किया हमने, देखिए आईजीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आया, ठीक है, तो आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा कि आईजीएसटी कब कैलकुलेट, कब हमें लगाना है, ठीक है। सीजीएसटी लगाया हमने, तुरंत कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। एसजीएसटी लगाएंगे, तुरंत कैलकुलेट होकर आएगा, ये आ गया। तो अब हम इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब हम बात करेंगे आईजीएसटी की, तो फिर यहां पर चेंज करते हैं रेफरेंस नंबर और यहां पर आ जाएगा अनंटेटर, डेटर पार्टी का लेजर आएगा। अब यहां पर इसी का एड्रेस हम अलग डालेंगे, ठीक है। यहां लिखता हूं एमपी और यहां लिखता हूं इटारसी, ओके। इंटरफेस किया हमने, इंटरफेस करके और यहां पर देखिए एम प्रेस करेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहां पे कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश ही ले लेता हूं, लेकिन स्टेट अलग होना चाहिए। अब यहां पे सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब यहां फिर प्रेस करता हूं कि कीबोर्ड ले लिया हमने, मेल लोकेशन ले लेंगे, दो आइटम हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो 800 रुपए का आइटम हमने सेल किया, इतने ही को रहने देते हैं और माउस नहीं लेते हम, ठीक है। तो यहां पर अब आईजीएसटी लगाते हैं, ठीक है, तो आईजीएसटी लगाया हमने, जैसे ही आईजीएसटी लगाया हमने तो यहाँ 148 रुपए टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी काम करने में टैली आरपी 9 में, और तो आप मुझे वापस से बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रियोना हजारिका जी हैं ये जिन्होंने ये सवाल किया था, तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।